हेलो फ्रेंड्स, आज देखिए हमारे पास एक्सल 100 बाइक आई है। इस बाइक में हैंडल के स्टीयरिंग बॉल्स डालने वाले हैं, क्योंकि हैंडल स्टीयरिंग बॉल्स डालने के बजाय क्या है बोले तो जंप को खड्डे वगैरह डालने के बाद हैंडल से कट कट बोल के साउंड आ रहा था और है ना गाड़ी उधर इधर से खींच खेल रहा है। हैंडल देखिए, ये देखिए देखिए जैसा पकड़ते ही उतना रुक रहा है। ये देखिए इधर भी नहीं घूम रहा है, इसकी वजह से हमें हैंडल स्टीयरिंग बॉल से डाल रहे हैं। इस तरह से डालना है। इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों पहले आप सबसे पहले हमें एक्सल नट को रिमूव करके टायर बाहर काट देंगे और मरकड़ बाहर काट देंगे। 18-19 का रिंग पाना लगता है 19 नंबर का, इसको बाहर काट दीजिए। तो दोस्तों टायर को बाहर काट चुके, देखिए पानी घुस किसी तरह हो ये होगा है, जाम हो गया, लाइनर भी चेंज करना है। तो दोस्तों 10 नंबर के बोल्ट डाले हैं मड़गढ़ के सपोर्ट के, दोनों साइड से भी रिमूव करके मड़गढ़ बाहर काट देंगे। तो दोस्तों यहाँ के ऊपर के नेटा लूज़ करना है, बाहर काटना है। ये देखिए दोस्तों इधर का राइट साइड का भी इसी तरह से लूज़ करना है, और इस ये तो लूज़ कर लिए हम, और दोनों साइड से लूज़ करना है, ये भी लूज़ करना है, नीचे ऊपर के करना है, ये बाहर पूरा करना है, ये लूज़ करना है। काटने के बाद हमें इसको बाहर ये 30 नंबर नेट बाहर काट देंगे, इसको 30 नंबर नेट खोल देंगे, रिमूव करेंगे। 30 नंबर नेट खोलने के लिए ये कैप खोल निकालना पड़ता है इसको। तो दोस्तों पूरा तरह से खोलना है, खोलने के बाद साइड रखना है। तो दोस्तों खुल चुका है, इसके नीचे एक वाइशर आता है, वाइशर को बाहर काट। तो दोस्तों हल्का सा हैंडल को बाहर काट देंगे, इसको साइड कर रखेंगे हल्का सा। तो दोस्तों ये 14 नंबर नेट पूरी तरह से लूज़ करना है, लूज़ करने के बाद इस तरह से स्कूटर इस शान में रख के मारना चाहिए, होल में रख के मारने के बाद हमें ये 14 नंबर का नेट है पाना है, पाना को रखो ऊपर से हथौड़ी से मार चुके हैं। मारने के बाद ये देखिए दो, ये देखिए दोस्तों बाहर निकल रहा है, ये देखिए आसानी से बाहर निकलता है। ये देखिए दोस्तों निकल चुका है, ये पाना 14 नंबर का है, ये अंदर का 13 नंबर का है, इसकी वजह से होल इसमें लूज़ बढ़ता है, इसकी वजह से मारे है, मारने के बाद निकल चुका है। इसी तरह से सेम उधर का भी वैसे करना चाहिए। तो दोस्तों ये देखिए, ये भी इसी तरह से निकाल चुके हैं, दो को साइड को रख देंगे दोनों को भी। तो दोस्तों इसको बस साइड को साइड में कर देंगे हैंड डोम को। तो दोस्तों ये टैंकी का प्लास्टिक कवर 10 नंबर के बोल्ट आए, वो दोनों साइड से भी रिमूव करेंगे, क्योंकि आसान होता है ये नेट खोलना करने के लिए। तो दोस्तों दोनों 10 नंबर के बोल्ट को रिमूव कर चुके हैं, इसको बाहर कर देंगे, क्योंकि आसान होता है खोलने के लिए, इसकी वजह से निकालिए। तो दोस्तों ये देखिए हॉर्न है, हॉर्न की पट्टी के बोल्ट अभी खोलना चाहिए। ये क्यों ऐसा बोले तो कौन सा डालने के लिए आसान होता है, ये दोनों बोल्ट रिमूव करना है, नीचे बाजू आते हैं 10 नंबर के। देखिए दोस्तों एक क्लच कलेक्शन काट के मैं हॉर्न बाहर काट चुके हैं। तो दोस्तों ये देखिए इस तरह से हैंडल साइड में रखना चाहिए, आस्ता आहिस्ता से केबल वगैरह वगैरह सब देख लेके ठीक तरीके से इस तरह से छोड़ना है। छोड़ने के बाद ये देखिए दोस्तों कितना जाम आ रहा है, किधर मारता उधर ही रुक रहा है, इसकी वजह से हम खोल चुके हैं। अभी इस नेट को रिमूव कर देंगे, टी को बाहर काट देंगे। तो दोस्तों ये नेट को रिमूव कर चुके हैं, ये देखिए बॉल्स इस तरह से फूट गए और पूरा जाम हो गए, इसकी वजह से चेंज करे हैं हम। तो दोस्तों ये टी को बाहर काटेंगे, ये देखिए दोस्तों हल्का सा बाहर काट देंगे इसको। तो दोस्तों टी को बाईस तरह से बाहर काट चुके हैं। तो दोस्तों ये स्टील वाला चमक रहा है ना, इस तरह से ऊपर से डालना चाहिए। तो दोस्तों ये देखिए ऊपर का कोन है, ये इसको हमें इस तरह से अंदर से स्क्रूड्राइवर से मारना चाहिए, हथौड़ी का हेड मार के या नीचे से हथौड़ी का हेड मार के ये ऊपर से ऐसे तरह से स्क्रूड्राइवर से मारने से ये बाहर निकलता है कोन। इसी तरह से सेम अंदर का भी इसी तरह से काटना है, अभी स्क्रूड्राइवर से ऊपर से डालना है इसको इसी तरह है ना, ऊपर से स्क्रूड्राइवर से इस जगह से हथौड़ी का मार के नीचे का भी कोन काट देंगे। अभी इसको निकल चुका है ऊपर का, अभी नीचे का काट देंगे। तो दोस्तों ये देखिए नीचे का भी निकल चुका है कौन, ये ऊपर का है, ये नीचे का है।
और इसका अपोजिट का ये है, ये नट्टा है ना, इसका अपोजिट का है, इस तरह से बढ़ता है। तो दोस्तों ये पूरी तरह से क्लीन करके अभी इसको ग्रीसिंग करना है। ग्रीसिंग करने के बाद ना ये जो नया कॉन्स लेकर आया और वाल्स लेकर आया है, हमको इंस्टॉल कर देंगे। तो दोस्तों पहले ऊपर वाल का कौन कौन ही इसी तरह से ग्रीसिंग लगाना है राउंडिंग, क्योंकि आसानी से प्रेसिंग होता है। ये वीडियो हम अकेले कर रहे हैं, अकेले काम कर रहे हैं, कोई साथ नहीं है, इसी वजह से वीडियो करने के लिए दिक्कत हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह से ग्रीस लगा के हमें बिठा दिए। इसको अपोजिट का ये है ना जूना वाला है, जूने वाले को इसको ऊपर रख के इसको मारने के बाद अच्छा ऑटोमेटिकली बैठता है। अभी इसको हमें अंदर ही पूरी तरह से अंदर बिठा मार लेंगे, मारने के बाद आपको दिखा देंगे, क्योंकि हम वीडियो करते करते मारने नहीं मार सकते, इसकी वजह से हम वीडियो स्टॉप कर देते हैं। तो दोस्तों पूरी तरह से बैठ चुका है ये, अभी इसको ऊपर का तो कंप्लीट हो चुका है, अभी इसी तरह से नीचे का भी मारना चाहिए, अभी नीचे के हिस्से को भी मार लेंगे। तो दोस्तों यह है नीचे का है, इसी को इसी जगह से इसे हमें ग्रीसिंग करना चाहिए, जितने उसको कैसा किए उसी तरह से ग्रीसिंग करना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से राउंडिंग पहला ग्रीस करना चाहिए, क्योंकि आसानी से हथौड़ी का हेड मारने से और आसानी से अंदर चले जाता है इसी की वजह से। तो दोस्तों ये हमें ग्रीसिंग तो कर चुके हैं, ग्रीसिंग तो कर लिया है, अब उसको अंतटा। तो दोस्तों ये देखिए इस तरह से नीचे की तरफ से बढ़ता है, ये सीधे तरह से स्ट्रेट रख के आज ठीक तरह से मारना चाहिए अच्छी तरह से। तो दोस्तों ये देखिए नीचे का भी पूरी तरह से हमें फिटिंग करने कर लिए है, मार लिए है, थोड़ी सी मार के बिठा दिए अभी इसको। इसे अंदर के साइड से भी हमें ग्रीसिंग करना है, ग्रीस लगा लेते हैं, और ऊपर के साइड से भी ग्रीस लगाना चाहिए, लगा लेने के बाद आपको दिखा देंगे। ये देखिए ऊपर का भी ग्रीसिंग की है और ना हम नीचे का भी ग्रीसिंग कीजिए और ना इस तरह से इसमें भी टी में भी ग्रीसिंग करना चाहिए। ग्रीसिंग करने के बाद यह है बल्ब्स इसमें भी लगाना चाहिए और ऊपर में लगाना चाहिए, लगाने के बाद आपको आगे का प्रोसेसिंग दिखा देंगे। तो दोस्तों ये देखिए हमें पूरी तरह से सब बल्ब्स लगा चुके हैं, चेहरे लगाए हैं, थोड़ा सा ये गैप बचा है, इसे देखिए ये चारों चरा बिठाए सर का गैप बचा है, ये इसको चरा नहीं बिठाना चाहिए, बॉल्स नहीं बिठाना चाहिए, इसको टच रखना चाहिए, क्योंकि ये हैंडल हम घुमाने से एक जगह छोड़ के एक जगह सरकने के लिए ये इस तरह से छोड़ते हैं हम, इसी तरह से सेम इसको भी इसी तरह से ये गैप छोड़ दिए है। देखिए ये गैप छोड़ दिया, छोड़ने की वजह क्या है बोले तो ये हम हैंडल घुमाने से है ना इसको प्लेस सरकने के लिए जगह मिलता है, एक दूसरे की एक जगह से जगह चेंज होती है, इसकी वजह से ये गैप छोड़ना पड़ता है। तो दोस्तों ये टी को हमें इस तरह से हमें अंदर इसी जगह से डाल के अंदर से ऊपर से नेट लगा लेंगे इसको। तो दोस्तों ये टी बैठ चुका है, यहाँ इस तरह से पूरा नेट टाइट किया है। तो दोस्तों ऐसा प्ले करने से ना ऊपर प्ले नहीं रहना चाहिए और है ना इस तरह से फ्री रहना चाहिए। देखिए दोस्तों इधर लग के इधर रिटर्न आ रहा है, देखिए तो दोस्तों इसका काम कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों हमें अभी हैंडल वगैरह सकब्जर वगैरह सब बिठा देंगे दिखाने के बाद। तो दोस्तों ये सकब्जर बिठा चुके हैं, बिठाने के बाद हमें ये नेट पूरी तरह से दोनों तरह से इधर भी टाइट किया और इधर भी टाइट किया, दोनों टाइट लॉक करने के बाद हमें अभी इस टी के नेट के 14 नंबर के नेट आए, 14 नंबर के नेटा को टाइट करें, अभी ये टाइट करें, पूरी टाइट करने के बाद मडगार बिठाने के बाद आपको दिखा देंगे। देखिए दोस्तों गाड़ी का काम कंप्लीट हो चुका है, ये TVS X100 बाइक है, इस बाइक में तो गाड़ी का काम कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।